तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। फिलहाल ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है जो कि मैं शुरू कर रहा हूँ इधर संत निरंकारी समागम के आध्यात्मिक स्थल पे। अभी 76 समागम की तैयारियाँ चल रही हैं जोरों शोरों से, जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हो। ये मैं फिलहाल खड़ा हूँ अभी शेड के अंदर, जहाँ पे मेन जो है संगत होती है, जहाँ 3-4 दिन संगत चलती है। तो बाकी जितना भी भरा ग्राउंड है उसके अंदर सारे मतलब टेंट वगैरह लगेंगे, जहाँ पे जो 7 संगत आएगी समागम सुनने वो रुकेगी। और ये है मेन शेड, यहाँ आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है पीछे से ये देखो। तो समागम की डेट रहेगी अपना 28, 29, 30 एंड 31 अक्टूबर। 3 दिन का समागम होता है, चौथे दिन होती है गुरु वंदना। तो 3 दिन का समागम है इस बार, पिछली बार हुआ था 75th जो कि 7 दिन का था, इस बार 76th है तो जो कि 4 दिन का है। बेसिकली 3 दिन का है, बट 4 दिन, चौथे दिन गुरु वंदना होती है, लेकिन 3 दिन का ही बोर्ड वगैरह लगते हैं। फिलहाल अभी सेवा स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे वहाँ गेट बनता है, आपको पता ही होगा अगर आप आए हो कभी यहाँ पे, वहाँ लास्ट में गेट बनता है, वहाँ पे सबकी सेवा थी। और मैं पानी बच्चे हूँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है चैनल की जो कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, कितना प्राउड मोमेंट है। फिलहाल वहाँ पे स्टेज बन रही है माता जी की, ये देखो। अभी फ्री हूँ, देखते हैं कुछ खाने का ट्राई करते हैं, मतलब कुछ खाने का देखते हैं, कुछ अच्छा सा मिला तो कुछ खाएंगे और फिर आ जाएंगे दूसरे सेशन पे अपनी सेवा पे। संगत अभी बहुत कम है। ये एक महात्मा खड़े हैं हमारे, रुको आपको मिलवाता हूँ। हाँ जी मालिक, कहाँ से हो आप? गुजरात। ये देखो, ये गुजरात से आए हैं इतनी दूर से। कब जाओगे वापसी? 17 तारीख। कब आए हो? 17 अक्टूबर को जाओगे? 17 नवंबर। अक्टूबर को या नवंबर को? नहीं अक्टूबर, अक्टूबर में ना। तो फिर वापसी आओगे समागम पे? वापस। क्या बात है, चलो ऐसे हमारे महात्मा हैं संत जो कि आते जाते रहते हैं, दातारी ने खुशियां दे बहुत सारी। ठीक है महात्मा जी, मिलते हैं। तो अब देख सकते हो कि गुजरात से इतनी दूर से एक महात्मा आ रखे हैं जो कि 17 तारीख को जाएंगे, ठीक है, और 17 तारीख को जाके फिर वापसी समागम पे आएंगे। देख रहे हो, एक तरह से जुनून देखो, जज्बा देखो इन महात्माओं का। इन्हीं से ही हमें प्रेरणा लेनी चाहिए जो बैठे हैं फिलहाल सेवा कर रहे हैं, मिलके काफ़ी बढ़िया लगा इनसे। तो ये देखो आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है वो शेड जो मैं आपको दिखा रहा था ना। ये देखो भाई साहब कितना बड़ा शेड है यार। और ये है ग्राउंड जहाँ पे वॉशरूम है, टेंट है, लंगर की सुविधा है, एग्जीबिशन है, अभी सरोवर भी बन रहा है। ये ज़मीन जो है भारत, ये 800 एकड़ की है, जितना मेरे को पता है कि ये 800 एकड़ की ज़मीन है, दूर दूर तक फैली हुई है। कहीं पे पब्लिकेशन है, कहीं पे प्रकाशन है, और कहीं पे देखो सब अपने अपने कामों में, अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। ये देखो टॉयलेट, ये वॉशरूम है, इसको मेंटेन कर रहे हैं शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी ये क्या हो सकता है, ये हाँ ये कैंटीन है, कैंटीन जहाँ से मतलब खा पी सकते हैं, ऊपर वाला सिस्टम होता है, यहाँ से मेरे ख्याल एंट्री होगी इसकी कैंटीन की। इस माम की सबसे बड़ी मेन कैंटीन है महाराज, ये कैंटीन है ना, ये कैंटीन है ना, अकाउंट ऑफिस, अकाउंट ऑफिस है। कैंटीन कहाँ होगी? वहाँ पे। अच्छा उधर है ना, हाँ तो उधर होगी कैंटीन, ये अकाउंट ऑफिस है। ठीक है ठीक है ठीक है। फिलहाल मैं कैंटीन में हूँ और ये मेरे हाथ में कूपन है जो कि उधर से लेते हैं लास्ट से, ठीक है। और इधर काफ़ी सारे स्टोर लगे हैं और भीड़ भी बहुत है, ये देखो। अभी देखते हैं कुछ तो लेंगे यार, बहुत सारा सामान है इधर, बहुत सारी चीज़ें। ब्रेड पकोड़ा लिया और ये देखो ये है कैंटीन का व्यू। ये ब्रेड पकोड़ा पता है कितने का? सिर्फ 8 रुपए का, और बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी।
कभी मौका मिलना तो ट्राई जरूर करना इसको भी, ठीक है। ये देखो एक आइसक्रीम लिया और अपने इंचार्ज महात्मा से बात करी है कि हमारी अब सेवा कहाँ है। वो बता रहे हैं कि गेट के पास है, यहाँ पे अभी मैं करके आया ना, और अगर आइसक्रीम का मैं प्राइस बताऊँ तो सिर्फ 10 रुपये की है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है, बटर स्कॉच है। कभी आना तो ट्राई करना, मतलब यहाँ पे यही है, सेवा करो, खाओ पियो ऐश करो, यही सिस्टम है। बाकी संगत के टाइम पे संगत भी सुनो, ऐसे नहीं कि ऐसे ही करते रहो। अभी मैं आइसक्रीम खाता खाता वहाँ पे जा रहा हूँ सेवा के, जहाँ पे हमारी सेवा है, दिखाता हूँ कहाँ पे हमारी सेवा। ये देखो फिलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ अपनी सेवा के पास, और ये जो हाईवे है ना, ये वही हाईवे है जो दिल्ली जाता है, मतलब NH 44 है बेसिकली, ठीक है। अभी मैं इसी के जस्ट बगल में ही चल रहा हूँ, और यहाँ पे जो गेट है वो ये रहा, दिख रहा होगा, लकड़ी से बना हुआ है, अभी ढांचा तैयार हुआ है, स्ट्रक्चर बना है, अभी अभी काम बहुत है अभी इसका भी, यहीं पर अपनी सेवा भी। बाकी पहुँच के सबसे मिलवाता हूँ, आपसे जानकारी करवाता हूँ। आज चैनल पे आप पहली बार आए हो तो सबसे जानकारी भी ज़रूरी है ना, तो पहली बार आए हो तो इसी बात पे फिर लाइक भी कर देना, और अभी तो फ़िलहाल एक आधा सब्सक्राइबर ही होगा मुश्किल से, मेरे को तो लग रहा है एक आधा भी नहीं होगा। अब पहली वीडियो जो है तो आप कर देना सब्सक्राइब, मतलब आती रहेंगी, अब तो फ़िलहाल रेगुलर है, ठीक है। ये देखो एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो लकड़ी का सारा काम चल रहा है भाई साहब, A to Z। भाई साहब कितनी मेहनत से धूप में लग रहे हैं महात्मा लोग, और ये पता है कहाँ से बंदे आए हैं, ये बंदे आए हैं मुंबई से, ठीक है। ये जो गेट वगैरह बना रहे हैं ना, ये गेट की सारी लकड़ियाँ तैयार कर रहे हैं, ये सब मुंबई के महात्मा हैं, सारे मुंबई के, ठीक है। और अब ये कब जाएंगे मालूम है, समागम के बाद, वो भी 4 नवंबर को। ये देखो मेरे, ये देखो इधर भी हैं काफ़ी सारे संत लोग, समागम के बाद जाएंगे सब। ये रहा वो वाला शेड जहाँ के अंदर समागम होगा, जहाँ पे मैंने व्लॉग स्टार्ट करा था, ठीक है। पानीपत के बंदे नहीं दिख रहे, कहाँ पे है यार पानीपत की सारी साथ संगत, दिख ही नहीं रही है। मेरे ख्याल आगे सेवा कर रही है वो, आगे सेवा चल रही है कोई, वहाँ पे हो सकती है मे बी। चलो देखते हैं, आपको बताते हैं। वो देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना झंडा, हाईवे पे लिखा है तू ही नंका, क्या बात है भाई, क्या बात है, मौज आ गई। और ये गेट है जिसके बारे में आपको बता रहा था, और ये हाईवे देखो। मेरे को पानीपत की साथ संगत नहीं दिख रही, लेकिन जिन महात्मा को मैंने कॉल करा वो यही बता रहे थे कि हम गेट के पास हैं। एक बार मैं आगे जाके देखता हूँ, होंगे शायद से, काफ़ी लंबा हो जाएगा यार मेरे ख्याल ये ना व्लॉग, क्योंकि मैं पूरा दिन यहीं पे हूँ आज। मैं कहा चलो चैनल तो बना ही हुआ है, थोड़ा व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, है ना, यादें भी रहनी चाहिए, फेम भी रहना चाहिए, है ना। सबका मन करता है यार यूट्यूब पे आने का, किसका मन नहीं करता, यूट्यूब प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। बाकी मेरी आवाज़ सही आ रही होगी तुम्हें, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, मेरे फ़ोन में चार्जिंग में लो होने वाली है, कम सी हो रही है। देखो सारे पेड़ हैं, अभी ना हम यहीं पे सेवा कर रहे थे, देखो ये सारी तसले वगैरह पड़े हैं, ठीक है। अब और ये मैंने खाया एक तोड़ के, पता नहीं है क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये तोड़ के खाया, इतना कड़वा भाई साहब, पता नहीं क्या चीज़ है ये भाई, बहुत कड़वा, फेंको इसको यार, इतनी कड़वी चीज़ मैंने आज तक नहीं खाई जितना ये कड़वा था। मेरे ख्याल है नीम का हो सकता है पत्ता यार, मेरे ख्याल से नीम का पेड़ हो सकता है, बाकी मैं कुछ अभी श्योर नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता है यार, बहुत पेड़ है अभी तो मेरे को पता ही नहीं है। देखो एक वहाँ पे चल रही है सेवा, वो दूर, ठीक है। चलो लंगर है, लंगर ये देखो हमारी फ़िलहाल यहाँ पे सेवा लगी थी, अपना लकड़ी वगैरह
के कील निकालने में, ये जहाँ गेट बन रहा है ना उधर उस साइड पे लगी थी। अभी फिलहाल मैं इधर आया हूँ, इधर देखो ये पेंटर वगैरह महात्मा लोग हैं, ये निरंकारी संत समागम का ये बोर्ड वगैरह तैयार कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा है, कितने क्लियरिटी से कर रहा है। महाराज कहाँ से आप लोग? मुंबई। मुंबई में रहते हैं भाई ये दस पानी बच से जी। तो कितना सही बना रखा है यार, मतलब क्या क्रिएटिविटी है यार। अपना फ्लैग हो गया और गेट की तैयारियां भी चल रही हैं जोर शोर से। ये देखो यहाँ पे लगी थी हमारी सेवा इधर। बाकी अभी बाहर जाऊंगा तो आप लोगों को दिखाई दूंगा कि क्या चल रहा था। ये देखो सारी पानी पत के साथ संगत है। हेलो भैया, देखो शेड है, ये गेट बन रहा है। हेलो सचिन भैया, अभी फिर गाइस अभी फिलहाल हमारी जो सेवा है वो ख़त्म हो गई और हम जा रहे हैं घर पे। तो आज का यही था, सवेरे से लेकर अभी तक मैंने जो था रिकॉर्ड करना था आपको सब दिखा दिया, कब मैंने खाना खाया, कब मैंने सेवा करी। सेवा का थोड़ा मैंने कम दिखाया क्योंकि वहाँ जब मैं सेवा कर रहा था तो थोड़े लोग बोलते हैं ना कि हाँ भाई सेवा के टाइम पर फ़ोन को रख दो, तो इसलिए मैंने सेवा का थोड़ा कम दिखाया। बाकी वीडियो रिकॉर्ड करी है महात्मा लोग की, वो डाल दूंगा मैं, क्लिप ऐड कर दूंगा। बाकी इंजॉय करा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक मिनट यार, मैं टैनिंग हो रही क्या? नहीं अब सही है, धूप पड़ रही है। चलो वीडियो को लाइक कर देना है। बाय बाय।